प्रीकम के बेनिफिट्स और नुकसान, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, 1980 से मैं सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूं और हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग हमारे पास नहीं अप्रोच कर सकते, ग्लोबल कंट्रीज में रहते हैं, वो लोग हमें ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा अपने सेक्स की प्रॉब्लम्स को 100% ठीक कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है क्या, ये हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसकी सारी डिटेल और हमारी मेडिसिन की डिटेल आप हमारी वेबसाइट रिया कपूर क्लिनिक पे जाइए और यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। चलिए टॉपिक पे आते हैं, मगर भाई इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल रिया कपूर सेक्स क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको वेल इन टाइम मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीकम है क्या, ये कहाँ से कहाँ पे बनता है। प्रीकम एक चिपचिपा सा पदार्थ है, जो लेसदार पदार्थ है, जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 3 ml से लेके 7-8 ml तक होती है, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। ये हमारे कॉर्पस ग्लैंड, जो हमारे यूरिनरी पाथ के बीच प्रोस्टेट के नीचे तकरीबन छोटे छोटे 2 glands होते हैं, जो जब आदमी एक्साइट हो जाता है, अराउजल में होता है, सेक्स करने के लिए रेडी होता है, तब ये एक्साइट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्रीकम सॉल्यूशन बनाते हैं। और हमारे पेशाब के रास्ते से, पेशाब की नली के रास्ते से, यूरिट्रा के रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाता है ये प्रीकम। इसके तीन बड़े बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट तो इसका है, ये एक वर्क्स एज ए लुब्रिकेंट, एक लेसदार मटेरियल, लिक्विड, गाढ़ा सा लिक्विड, एक चिपचिपा पदार्थ, एक लुब्रिकेंट का काम करता है हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स में। और जब ये लुब्रिकेंट, जब ये प्रीकम वजाइना में चला जाता है, जब आदमी के पीनस से, यूरेट्रा से निकल के वजाइना में ड्रॉप करता है, तो वजाइना को भी लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से पीनस की एंट्री वजाइना में आसानी से हो जाती है। अदरवाइज अगर वहाँ पे रफ स्पेस होगी चारों ओर की, उनकी इंटरनल वॉल ऑफ द यूट्रस, बीच की दीवार यूट्रस की रफ होगी, तो उसमें पेनिट्रेशन मुश्किल से होगी और इसकी वजह से मेल और फीमेल को दोनों को दर्द हो सकता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का मजा भी कितना हो सकता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये इट वर्क्स एज ए लुब्रिकेंट, एक चिपचिपा पदार्थ, एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी वजह से पीनस की एंट्री वजाइना में आसानी से होती है, इंजॉयबल होती है मेल को भी और फीमेल को भी। दूसरा बेनिफिट इसका कि हमारा जो पेशाब होता है, जब हम बार बार पेशाब करते हैं तो हमारा यूरिट्रा, हमारा पेशाब आने का रास्ता जहाँ से पेशाब निकलता है, वो एस्टिक हो जाता है। और जो हमारे स्पर्म होते हैं, ये एस्टिक मीडियम के सेंसिटिव होते हैं, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, संलग्नित हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और बार बार पेशाब करने से, एस्टिक मीडियम से जब स्पर्म निकलते हैं तो 50% ही बाहर निकलते हैं, बाकी रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारा प्रीकम जो पहले निकलता है, स्पर्म के आने से पहले निकलता है, ये इसको अल्कलाइन कर देता है, उसके एस्टिक मीडियम को बदल के अल्कलाइन मीडियम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म जो बाहर निकलते हैं, पानी से ग्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं और हमारे पेशाब के रास्ते से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये चिपचिपा होता है, इसलिए वो आसानी से बाहर को स्लाइड कर जाते हैं, निकल जाते हैं और वजाइना में चले जाते हैं। और साथ में इसका चिपचिपापन, प्रीकम का चिपचिपापन हमारी वजाइना को भी लुब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पर्म जो पीनस से निकले वजाइना में गिरे, वजाइना में भी अच्छे से स्लाइड करके यूट्रस के पास चले जाते हैं और उसके यूट्रस के माउथ के पास चले जाते हैं और वहां से ये एंट्री उसकी आसानी से हो जाती है वजाइना में। तीसरा बेनिफिट प्रीकम का क्या है,
यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि एक फीमेल की वजाइना इनकी इंटरनल वॉल एस्टिक होती है, और जब ये प्री कम वहाँ पे गिरता है एक्साइट होने के बाद, इजेकुलेशन होने से पहले ये जब वजाइना में गिरता है और ये वजाइना को अल्कलाइन बना देता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन मीडियम में स्पर्म अच्छे से सर्वाइव करते हैं, स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद जब स्पर्म वजाइना में गिरते हैं, मीडियम उनको अल्कलाइन मिलता है और वो अच्छे से स्लाइड करके, ग्लाइड करके, आगे बढ़ के यूट्रस में चले जाते हैं और प्रेगनेंसी का चांस बनता है। इसलिए हमारे प्री कम की अल्कलाइनिटी, अल्कलाइन होने का कारण एक प्रेगनेंसी को प्रोसीड करता है और ये बेनिफिट होता है। अगर ये अल्कलाइन ना होता तो वजाइना और यूरिट्रा, मेल का यूरिट्रा एसिडिक होता और निकलते निकलते स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते। ये है इसके तीन बेनिफिट बड़े। और नुकसान की बात करूं तो नुकसान सिर्फ इसका एक ही हो सकता है, अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सुबह से आप काम पे जाते हो और ये तब भी निकलता है, जब आप काम करते हो तब भी निकलता है, तब जब आते हो तब भी निकल रहा होता है, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि आपका अंडरवियर बहुत ज़्यादा एरिया उसका चिपचिपा हो जाता है, आपके पीनस से, आपकी थाई से चिपकने लगता है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, आप एक्साइटेड नहीं हो, आप अराउजल में नहीं हो, आपका कोई सेक्स करने का ध्यान भी नहीं है, आप अपने बिजनेस में बिजी हो, आप अपने काम पे बिजी हो, इवन देन इट इज फ्लोइंग, तब भी ये निकलता रहता है, ये इसकी बड़ी दिक्कत है। और इसका ट्रीटमेंट कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसका कारण इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, तकरीबन 21-22 दिन का ट्रीटमेंट होता है। आप अपने, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो आप अपने लोकल सेक्सोलॉजिस्ट को बताइए, अगर आपके पास कोई सेक्सोलॉजिस्ट अच्छा नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मुझे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करिए, नीचे स्क्रॉल हो रहा है तो हम आपको मेडिसिन भेज देंगे। 21-22 दिन की ट्रीटमेंट है, इसका आसानी से ठीक हो जाता है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं आपको सारी डिटेल बता दी मैंने। थैंक यू वेरी मच।